एक साधारण सा प्रश्न जो लगभग हर भारतीय के मन में आता होगा कि मच्छर काटने के बाद हमें खुजली क्यों होती है, क्योंकि भारत में मच्छर की समस्या बहुत ही ज्यादा है। कारण है जगह जगह नालियां और गंदगी, इन्हीं कारण की वजह से मच्छर की समस्या बहुत ही ज्यादा है। हम बात छोड़कर काम की बात पर आते हैं, आखिर क्यों हमें मच्छर काटने पर सूजन और खुजली होती है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि फीमेल मच्छर ही हमको बाइट करती है, क्योंकि फीमेल मच्छर को अपने अंडे सहने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। वैसे दोनों ही फीमेल और मेल मच्छर अपने पौधों और फूलों से नेक्टर लेकर जीवित रहती है, लेकिन फीमेल मच्छर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो चलिए, इतना जानने के बाद मूल प्रश्न के उत्तर को सबसे पहले, फीमेल मॉस्किटो किसी व्यक्ति की एक्सहेल करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी बॉडी हीट यानी गर्म खून वाले लोगों को, इन दो चीजों से व्यक्ति की पहचान कर लेती है। फिर जैसे ही मच्छर व्यक्ति पर लैंड करती है, वो हमारे स्किन पर मौजूद लैक्टिक एसिड से पहचान कर लेती है। उसे खून पीना होता है। एक बार वो मच्छर स्किन पर जगह पर पता लगा ले, फिर वो जगह पर थूक कर उस जगह को सुन कर देती है, और फिर एकदम तीखे इंजेक्शन निडल वाले संरचना, इसे प्रोबोसिस कहते हैं, वो इंजेक्ट करती है खून की तलाश में। और जैसे ही प्रोबोसिस को स्किन में इंजेक्ट करती है, वो खून की तलाश में अपने निडल के सम्मान में ब्लड वेसल्स में घुमाती रहती है। फिर मच्छर को स्किन में ब्लड वेसल्स मिल जाता है, और वो ब्लड वेसल्स के अंदर वो अपना सलाइवा इंजेक्ट करती है, और जैसे ही ब्लड की कोटिंग उस निडल के आसपास ना हो, यानी प्रोबोसिस के आसपास खून ना जमे, उसके बाद मच्छर खून चूसना शुरू करती है। ये तब तक चलता रहता है जब तक मच्छर का पेट नहीं भर जाता, या तब तक हम उसे मार नहीं देते। अब बात ये आती है कि मच्छर द्वारा खून चूसने के बाद हमें उस जगह पर खुजली क्यों होती है, वहाँ लाल रंग जैसे बम क्यों बन जाता है। तो इसका कारण ये है कि मच्छर काटने के बाद हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स इसमें होता ही है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक मच्छर को सलाइवा एक एलर्जिक पदार्थ मानता है। हमारे इम्यून सिस्टम किसी भारी तत्व आने पर तुरंत ही एक्टिव हो जाता है, और वैसे ही मच्छर का सलाइवा खत्म करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक हिस्टामाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है, जो कि उस जगह पर जाकर भर जाता है, जिससे एक लाल रंग का उभार आ जाता है और वहाँ खुजली होना शुरू हो जाती है, यानी हिस्टामाइन ने खुजली होने का कारण है। आपने ध्यान दिया होगा कि मच्छर के बाइट बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। इसका कारण ये होता है कि ब्लड वेसल की तलाश में एक मच्छर अपने प्रोबोसिस से बहुत ही ज्यादा सलाइवा आसपास के एरिया में फैला देती है, जिससे बड़े बम बन जाते हैं। अधिकतम लोगों को तो मच्छर के बाइट का तो नोटिस ही नहीं करते, लेकिन जब वो फील करते तो खुजली करते हैं। आपको बता दूं कि कई बार हमें एक या कई मच्छर काटने का पता नहीं चलता, और लेकिन कई बार हमें एक ही मच्छर काटने का पता लग जाता है। तो ये था सारा प्रोसेस। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय।